दीजिए भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलिए अब आगे हमारा है अगला एल्स्ट्रोमेरिया। एल्स्ट्रोमेरिया सारे के सारे फ्लावर हैं एंड इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे। इसे हम इनका या फिर पेरुवियन लिली भी कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=2x=16। ओरिजिन है इसका साउथ अमेरिका। फैमिली है एल्स्ट्रोमेरिएसी एंड हार्डी पेरिनियल क्रॉप है। प्रोटेनरी है, मेन आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा प्रोटेनरी। वैसे तो मेरे हिसाब से ये जो एल्स्ट्रोमेरिया है और जितने भी फ्लावर हैं हमारे वहां पे नहीं दिए हुए हैं जो सिलेबस है, सिलेबस में तो इन फ्लावर्स का जिक्र नहीं किया गया है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे कुछ छूटना नहीं चाहिए, आपके माइंड में थोड़ा सा बना रहना चाहिए सभी फ्लावर का एक जो इमेज होती है वो। इसीलिए यहाँ पर मैं सारा लेकर आया हूँ। रिक्वायर्ड फोटो पीरियड फॉर फ्लावर इंडक्शन कितना? 11-14 आवर्स। तो ये आपकी सर चाइना एस्टर की सीट डेट पूछी हुई है सर एग्जाम में। चाइना एस्टर की पूछी हुई है सीट डेट, ओके। हाँ सर, ढाई से तीन। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। अब कल अपने पास बुक्स आ जाने दो तो देखेंगे उसमें क्या क्या है, कहाँ से क्या मिलेगा। हाँ परेशान मत हुए। तो एक एक पेज के ही है ये, तो अपने को एक बार याद रख लेना। डे लिली देन हेमरोकलिस इसका नेम है। ओरिजिन है इंडोनेशिया एंड 2n=2x=22। अंकित जी सीड रेट याद नहीं होती तो डेली मैं यहाँ पर सीड रेट की एक स्लाइड रख दूंगा, परेशान मत होइए। एक टेबल रख दूंगा और जिसको कि अपन डेली पढ़ लिया करेंगे, कभी तो याद होगी, 15 दिन में तो याद होगी, कर लेंगे। प्लांट है टॉक्सिक एल्कलॉइड, ध्यान रखना डेली में कौन सा टॉक्सिक एल्कलॉइड पाया जाता है, हेमरकेलिन एंड येलो डे लाइफ हेमरकुलिस फुल्वा। गोल्डन ऑरेंज डे लाइफ है आपका हॉलिकुलस ऑर्टिका, ये इनकी नेम है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डे लाइफ यहाँ पर लिखा हुआ है बार बार, लाइफ नहीं होगा, डे लिली है। येलो डे लिली कौन सा है? हेमरकुलिस फल्वा एंड गोल्डन एंड येलो ऑरेंज डे लिली है हेलोकस ऑर्टिका। इनके नेम है बट इनके थोड़े से फ्लावर कलर के हिसाब से अलग अलग है। फर्स्ट कॉन्जिशन इंड्यूस टेट्राप्लॉइड प्लांट है वाशिंगटोनिया। हाँ भाई, दो पीपल वेटिंग में कौन कौन है भाई? भाव्या को सभी तक बेचारा एडमिट नहीं हो पाए, भाव्या के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, शौर्य भानु एंड भाव्या। ओके, सिंथेटिक स्पीसीज है हमारी। रिसेंटली रिलीज्ड वैरायटी बता देना एक बार चार्ट में सारी फ्लावर्स की जो जो अभी अभी रिसेंटली रिलीज्ड हुई है। ओके ओके, वन सेकेंड है ना, मैं कि जो भी है क्वेरी क्या है कि बहुत सारा मैटर माइंड में चलता रहता है, देन वन सेकंड इसको नोट कर ही लेता हूं मैं। एक तो सर पुरानी वैरायटीज तो कम ही आएंगी, जो रिसेंट में वैरायटीज रिलीज है वही आएंगी शायद। हां ओके ओके ओके, देन पहला था सीड रेट एंड सेकंड वन इज रिसेंटली रिलीज्ड वैरायटी। तो ये दोनों मैंने नोट कर लिए, इनका डेटा निकाल के कल आपको प्रोवाइड कराता हूं। भव्या कितनी बार आप ज्वाइन होने के लिए यहां पे एडमिट करेंगे? मैं कर चुका हूं आपको एडमिट। पर मेरी गोल्ड के इनफ्लोरेसेंस टाइप क्या है? किसका? मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड का इनफ्लोरेसेंस टाइप क्या है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, जो भी जिसके मन में जो भी क्वेश्चन हो एक बार व्हाट्सएप भी कर दिया करो। ठीक है जी। सब कुछ बता देंगे कल, अपने पास बहुत सारा मैटर होगा देखने के लिए। आप जो पूछेंगे तुरंत के तुरंत मैं सर्च करूंगा, शायद हो सकता है सुबह ही मुझे डिलीवरी मिल जाए तो बेटर काम। सर मेरीगोल्ड का हिसाब से तो कैपिटुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एस्टर इसी का ये देखा गया है सर, उसका इन्फ्लोरेसेंस कैपिटुला नहीं होता है। मोस्टली वही है, बट एक बार चेक करके अपन बता देंगे तो बेटर रहेगा मानस। जी जी सर। कॉल्चिसिन इंड्यूस टेट्राप्लॉइड हमारा कौन सा है? तो इसमें हमने देखा वर्किंगटोनिया है एंड प्रोपेगेशन करेंगे डिवीजन ऑफ क्लम्स। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्लम्स का डिवीजन हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बेबीज ब्रेथ। बेबीज ब्रेथ का
नेम है वो है जिप्सोफिला एंड 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 34 इसका नेम है। भव्या कुस प्रीति शुक्ला यहाँ पर हैं, एडमिट कर देता हूँ इनको। तो भाई ज्वाइन हो चुके ना भव्या जी, कहाँ गए भव्या? चलो ज्वाइन हो चुके, थोड़ा लेट होते हैं बट हो गए। ओके नहीं सर मैं ज्वाइन हो गया था। हाँ ओके मैं हूँ सर। हाँ ओरिजन है आपका काकेसस माउंटेन एंड फैमिली है कैरियोफिलेसी। कूल सीजन क्रॉप है, मेजर कट फ्लावर है कोरिया का, कोरिया में सबसे ज्यादा इसको कट फ्लावर के रूप में यूज किया जाता है। सूटेबल है रॉक गार्डन के लिए, जहां पर अब रॉक गार्डन तो आप सारे लोग जानते हो, बट ध्यान रखना बेबीज ब्रेथ रॉक गार्डन के लिए सूटेबल है। देन आगे चलें गाइसोफिला पेनिकुलेटा। गाइसोफिला पेनिकुलाटा एंड गाइसोफिला एरोसोटी इसके स्पीसीज है एंड यूज एट फिल्टर मटेरियल नहीं होगा, यहाँ पे होगा फिलर मटेरियल। क्या है? यूज एज फिलर मटेरियल विद अदर कट फ्लावर, जैसे कि दूसरे कट फ्लावर है तो उनमें फिलर मटेरियल के तौर पर यानी कि बीच बीच में भी बेबीज ब्रेथ को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक, ये स्टॉक भी आपका फ्लावर है, इसे हम गिली फ्लावर भी कहते हैं और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है मैथियोला इनकाना। क्या है? मैथियोला इनकाना। अभी बहुत सारे बॉटनिकल नेम ट्रीज आने वाले हैं बिकॉज एनुअल ट्रीज यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आगे चल के। फैमिली है ब्रैसिकेसी, बाइनल क्रॉप है एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ 3 लिनोलेनिक एसिड, अब इसको कर देता हूं मैं मिनिमाइज, which is used for dietary supplement. Dietary supplement यानी कि जो डाइट में आप लोग लिखते हैं सप्लीमेंट के रूप में, उनमें यूज किया जाता है और इंडस्ट्रियल यूज भी इसमें किया जाता है क्योंकि इसमें लिनोलेनिक एसिड होता है। क्लासिफिकेशन है चार ग्रुप में किया गया है। मोस्ट ऑफ कल्टीवार्स डेवलप किए गए किससे? इनकाना यानी कि मैथियोला इनकाना और मैथियोला ट्राइकुस पिटाटा का क्रॉस करके बहुत सारे कल्टीवार्स को डेवलप किया गया है। ट्राइसोमिक वेराइटी है इसकी 2n+1 बिकॉज 14 इसमें क्रोमोसोम नंबर है एंड आप लोग जानते हो कि 2n+1 को ट्राइसोमिक कहते हैं एंड ट्राइसोमिक वेराइटी है इसकी स्नोफेक। कौन सी वेराइटी है? स्नोफेक। आगे चले हम बात करें ट्राइसोमिक कैरी SS जीन, जो ट्राइसोमिक है ना वो SS जीन को कैरी करता है, तो एक बात ये भी ध्यान रखना। ट्राइसोमिक का प्रोडक्शन है 100% डबल फ्लावर सजेस्टेड बाय फ्रॉस्ट 1928। फ्रॉस्ट ने सजेस्ट किया यदि ट्राइसोमिक का आपको मतलब कि कल्टीवेशन आप कर रहे हैं तो वो 100% डबल फ्लावर आपको देगा। प्रोपेगेशन सीड्स के थ्रू होता है। इंपोर्टेंट कल्टीवार है सिंड्रेला सीरीज, जिसको भी प्रॉब्लम हो वो सबसे पहले हैंड रेज करेगा, देन हैंड रेज के बाद मैं आपको जो भी है आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आगे हम बात चलें, बात करते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज की। तो बर्ड ऑफ पैराडाइज का बॉटनिकल नेम है स्टेरिलिटिजिया रेजिनी एंड ओरिजन है साउथ अफ्रीका। फैमिली है आपका जैसा कि बॉटनिकल नेम है स्टेरिलिटिजिया, तो स्टेरिलिटिजिसी। हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है एंड कट फ्लावर स्पीसीज है आपकी स्टेरिलिटिजिया रेजिनी। ओके आगे चले हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको एक दिन में कम से कम ये मान लीजिए 2 लेक्चर में 5 क्लास कवर अपन कर रहे हैं भाई, तो 5 क्लास यानी कि 5 घंटे का काम 2 क्लासेस में हो रहा है और आपको बार बार पढ़ना है। मैं फिर बताता हूँ, फिर पढ़ने की स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, टेंशन मत लो। देखो अब फेल होने वाली बात पे थोड़ा सा 1-2 मिनट का लेक्चर आपको दे देता हूँ बिकॉज मोटिवेशन तो आपको चाहिए। फेल होने वाली बात पे मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्या फेल नहीं हुआ, मैं भी बहुत बार लाइफ में फेल हुआ हूँ। यदि मैं फेल नहीं हुआ था तो मेरी क्या जॉब नहीं लगी होती? बिल्कुल लगी होती। फेल नहीं होता तो मैंने एग्जाम नहीं दी क्या? मैंने भी एग्जाम दिए, AFO का एग्जाम दिया मैंने 2 times इसमें मैं बैठा, मेहनत करके बैठा। ऐसे तो मैं बैठा हूँ 4-5 times, बट ये जो 4-5 times था इसमें कोई मैं पढ़ाई नहीं करता था। 2 times मैंने पढ़ाई की बट नहीं हुआ, तो क्या करें? मैंने हार मान ली कि हार मान के मैं घर चला जाता, अपने गाँव वापस चला जाता, वहां पर खेती करने लगता, किसानी करने लगता, पढ़ता रहा। और आज मेरे पास आप लोगों के कारण, आप लोगों का फीडबैक आता है मुझे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तभी तो मैं आगे पढ़ा रहा हूं। यदि आप लोग ही मुझे बोलेंगे कि सर आपका पढ़ाना हमें समझ नहीं आता या आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों आगे बढ़ता? आज मेरे यूट्यूब पे 15,000 फॉलोवर है मेरे, आप यहाँ पे चलेंगे एंड ये अनअकैडमी पे 7,000 फॉलोवर है, आप लोगों के कारण ही है वो सारे भाई।
तो फेल होना कोई गलत बात नहीं है, बिना टेंशन के पढ़ाई करो और अच्छे से एग्जाम दे के आओ। 101% मैं यही चाहता हूं कि आप सारे लोग ही डीडीए बन जाएं, क्योंकि इससे सरल एग्जाम मेरे हिसाब से कोई सा हो ही नहीं सकता। 120 क्वेश्चंस है, 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे में इतना समय बच जाएगा ना आप लोगों को, बट आप उस समय में, मैं लास्ट टाइम में आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, बट आज ही बता देता हूँ क्योंकि आज थोड़े से डिप्रेशन में है 2 लोग हमारे। वहां पे आपको ये करना है, यदि आपने 1 घंटे में भी पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो फिर जो 1 घंटा है ना उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि जिस क्वेश्चन को हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ, 10वें नंबर का क्वेश्चन इसका ए नहीं यार हो सकता है बी हो तो बी पर टिक कर रहा है, इसका बी नहीं यार हो सकता है डी हो तो डी पर टिक कर, ये तो करने मत, भले ही उस 1 घंटे में कुछ भी करते रहे ये मत करना कभी भी भूल से भी, ठीक है। जीएस के लिए क्या करें, जीएस के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे प्रीति शुक्ला जी, जीएस इतना आपने पढ़ रखा होगा या फिर आप न्यूज वगैरह देखती होंगी तो ये जीएस आपका ऐसे ही पूरा हो जाएगा, ऐसे ही कंप्लीट हो सकता है। 10 क्वेश्चन आएंगे, जीएस पर ज्यादा जोर ना देना, 10 में से 5 तो आपसे बन जाएंगे। चलिए ये सारी स्ट्रेटेजी मैं करूंगा बाद में डिस्कस, अभी अपन चलते हैं हेलिकोनिया पे एंड मैथ रीजनिंग इंग्लिश। अंकित जी मैथ रीजनिंग इंग्लिश इतना इजी आने वाला है, इतना इजी आने वाला है कि आप खुद कहेंगे कि सर आपने बोला था, मतलब आप वहां पर ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे ना मैथ्स और रीजनिंग को, तो आपके पास टाइम कम नहीं पड़ना, तो भी आपके पास टाइम कम नहीं पड़ेगा, आराम से होंगे क्वेश्चन, आराम से, बहुत आराम से। पैराक्लैटिन लास्ट में सर वो एग्जाम हॉल वाला स्ट्रेटेजी भी बता देना सर, टाइम मैनेजमेंट से लेके माइंडसेट से लेके सब कुछ बता देना सर। बिल्कुल बिल्कुल मानस बिल्कुल, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्या नहीं करना सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, परेशान नहीं होना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव्स पर, ओके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा लगाना है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, मैं कराऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद में आपको जैसे हम बात करें वैरायटीज, तो वैरायटीज तो आपको पढ़ती रहना, और जो फेमस वैरायटी होती है, जो सबसे ज्यादा फेमस वैरायटी होती है, आप ऐसा नहीं है कि उसमें यदि मान लीजिए 100 वैरायटी है किसी एक पेपर में, 100 वैरायटीज है तो 100 की 100 वैरायटी कभी फेमस नहीं होती। जो मोस्ट फेमस वैरायटी है रोज की वो पढ़िए, क्यों फेमस है वो पढ़िए, म्यूटेंट वैरायटी है वो पढ़िए, सबसे पहले ये पढ़ें, फिर कॉमन नेम फ्लावर के पढ़ें, कॉमन नेम के बाद फिर हम चलते हैं आगे कि उनमें कोई डिसऑर्डर ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा आता है, यानी कि जो सबसे सीरियस है उस पर ध्यान देंगे, और फ्लावर इंडक्शन के लिए किसी भी फ्लावर में कितने ppm केमिकल का यूज होता है, इन सब पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। बॉटनिकल नेम और फैमिली तो सबकी याद रखना ही है, ये तो मेन है, बाकी और जितना भी मटेरियल मिले आपको, बाकी जितना भी मटेरियल मिले सब हम, जैसे टेम्परेचर है तो ज्यादा टेम्परेचर पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, टेम्परेचर पर ध्यान बिल्कुल ना देना। ओरिजन है, ओरिजन यदि याद नहीं होते तो भी ध्यान मत देना, एंड ओरिजन आपका रहेगा तो वो ज्यादा बेटर काम, ठीक है। तो हाँ इस पर ध्यान देना, और मैं खुद बताते जाऊंगा बीच बीच में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। 2 सेकंड जरा रुकिए आप लोग। थैंक यू सर। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हेलिकोनिया को पैरट प्लेंटेन कहेंगे, फाल्स प्लेंटेन, बार बार क्या हो रहा है भैया, लोबस्टार क्लॉज एंड पैरट फ्लावर इनको बोला जाता है। ओरिजन है इसका सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, फैमिली है हेलिकोनियेसी, आइडियल क्रॉप है कोकोनट गार्डन्स के लिए, 50% प्रोडक्शन इन इंडिया में वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो देखो ये वाली जो लाइन है, अब ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है ना,
ये नहीं पूछा जाएगा। ऑर्नामेंटल पार्ट है हाईली मॉडिफाइड लीव एंड ब्रेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो इसे हमें नहीं छोड़ना है। टाइप पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, अब ये चीज जो टाइप पॉलिनेशन है ना ये भी नहीं आएगा क्वेश्चन। ऐसी चीजों को हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है कि कौन सा सेल्फ पॉलिनेटेड, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लावर है जैसे रोज, मैरीगोल्ड, इनका हमें सब पढ़ना है और ज्यादातर इन्हीं पर काम करना है। ये अब हेलिकोनिया है, बहुत कम देखने को मिलेगा, हमने आज तक देखा ही नहीं हेलिकोनिया होता क्या है, तो इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। मेन पॉलिनेटर हमिंग बर्ड एंड बैट्स, ठीक है। प्रोपेगेशन किससे होता है, राइजोम से, साइड सूट एंड सकर से। ऑप्टिमम टेम्परेचर है कल्टिवेशन के लिए 21 से 35, अब ये आवश्यकता नहीं है इस चीज की, इतनी आवश्यकता इसकी नहीं है। पिटूनिया, पिटूनिया का फुल सॉरी बॉटनिकल नेम है पिटूनिया हाइब्रिडा, एंड 2 = 14 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। फैमिली है सोलेनेसी, शॉर्ट लाइफ साइकिल यानी कि 4 मंथ में इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। टेंडर पेरिनियल है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दीजिए। टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, मोड ऑफ पॉलिनेशन हनी बीज, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पॉलिनेशन सिंड्रोम एग्जिस्ट, कोई मतलब नहीं है। प्रोपेगेशन सीड के द्वारा किया जाता है, मॉडल प्लांट है जेनेटिक स्टडीज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, फ्लावर कलर। आप देखो ये वाली जो लाइन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है कि भाई जेनेटिक स्टडीज इंजीनियरिंग के लिए मॉडल प्लांट हमारा फ्लावर में कौन सा है, तो पिटूनिया है। अब ऐसी लाइन्स को कभी नहीं छोड़ना है। मेल स्टेरिलिटी का टाइप कौन सा, इसमें जीएमएस पाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट को जो कि अलग ही दिख जाते हैं आपको। एमआरएलएस, एमआरएलएस को बेलाडोना लिली के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम हिपेस्ट्रम, रॉयल डच एमआरएलएस, ट्रपलेट लिली एंड नाइस स्टार लिली, ये सारा कुछ हम इसे कहते हैं। एंड एमआरएलएस जो है ये आपके, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है एमआरएलएस एंड हिपेस्ट्रम इज अ बल्बलस फ्लावरिंग प्लांट, तो ठीक है भाई कौन सा प्लांट है, छोड़ो बल्बलस है कि क्या है, वो सारे फ्लावरिंग प्लांट ज्यादातर बल्बलस होते हैं। एमआरएलएस मींस स्पार्कल और ट्विंकल, अब ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एमआरएलएस का मीन हमें दिया हुआ है कि इसका मतलब आखिर होता क्या है, तो स्पार्कल एंड ट्विंकल इसका मीनिंग होता है। हिपेस्ट्रम डिफरेंट फ्रॉम एमआरएलएस किससे, सॉलिड एस्केप एंड एब्सेंस ऑफ स्केल बिटवीन द फिलामेंट, जो हिपेस्ट्रम है ये एमआरएलएस से अलग है। क्यों अलग है ये हमें यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि ये सॉलिड एस्केप और इसमें स्केल्स का एब्सेंस होता है। सिक्स स्पीन मेंशन्ड इन फिरमिंगर, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, कुछ भी आवश्यकता नहीं है ये यहाँ पे, कोई आवश्यकता नहीं। एमआरएलएस बेलाडोना, इसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेसिडस प्लांट है, सेल्फ स्टाइल डिप्लॉयड है, नो प्रॉब्लम, हटाओ इन सब, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे अपन ने एग्जाम में, ना ही इनको पढ़ना है। हिपेस्ट्रम की बात करें तो हिपेस्ट्रम ओलिकम, ये तो मैं आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए। अब जो न्यू मैटर लेकर आऊंगा ना उसमें मैं खुद ऑलरेडी एक्सक्लूड करके आऊंगा, ऑलरेडी ही उसमें उतना मटेरियल नहीं होगा जितना अपन ने पढ़ रखा है, सिर्फ जो लगेगा इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए लेकर यहाँ पे आया जाएगा। हिपेस्ट्रम है, हिपेस्ट्रम ओलिकम, इसमें 2n = 20 इसमें होते हैं, अमेरिका है, ये अभी अपनी हो गई है 15 क्लासेस कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने दो दो क्लासेस नहीं ली थी, एक एक क्लासेस ली थी, 15 क्लासेस कंप्लीट है। मुश्किल से ये मान लीजिए कि 40 क्लास में से हमें 30 क्लास पढ़ना है क्योंकि 10 क्लासेस का मैटर तो क्वेश्चंस हैं, शायद बीच में कहीं पे मैंने क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए हैं तो उन क्वेश्चंस वालों को तो अपन हटा ही देंगे क्योंकि क्वेश्चन की पीडीएफ तो मैं दे दिया हूं जी। हाँ, तो 30 क्लासेस, तो 15 क्लास और बची हैं, तो ये मान लीजिए कि उनको भी एक दिन में अपन क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। आज अपन ने 5 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं 2 लेक्चर में, तो आगे भी मान लीजिए 15 और है तो 3 दिन का और बचेगा मैटर। हाँ बस, नेचुरल सेप्टाप्लॉयड प्लांट है हिपेस्ट्रम ब्लूमेंसेरिया, भाई तो ये इसके बारे में ज्यादा मत पढ़ो, हिपेस्ट्रम के बारे में ज्यादा पढ़ो ही मत क्योंकि ये नहीं पूछा गया है ना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गैलार्डिया, अब ये जो गैलार्डिया है ना ये इंपॉर्टेंट फ्लावर है, इसे पढ़ना जरूरी है। ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं गैलार्डिया, प्लूचेल्ला इसका नाम है, पलचेल्ला या फिर कहीं कहीं पर प्लूचेल्ला भी देखोगे आप लोग। ओरिजन है नॉर्थ अमेरिका, फैमिली एस्टरेसी या एस्टरेसी को ही कंपोजिटी बोला जाता है। ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है भाई। फ्रॉस्ट हार्डी प्लांट है, ओके। ग्रोन ड्राईलैंड टू रिड्यूस द सोइल इरोजन, ड्राईलैंड में इसे, अब ये वाला यहाँ पे क्या हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया कि ड्राईलैंड में इसको हम
ग्रो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सोयल इरोजन को रिड्यूस करता है। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो गया। यूज्ड एज लूज फ्लावर एंड गार्लैंड प्रिपरेशन, ओके ध्यान रखना लूज फ्लावर के रूप में यूज होता है। प्रोपेगेशन सीड्स के द्वारा करते हैं, तो ये तो फिर आपको याद होना ही चाहिए सभी का प्रोपेगेशन। जीनिया, जीनिया को पुअर मैन्स रोज कहते हैं, जीनिया एलेगेंसिस का नेम है। एंड फैमिली है एरिकेसी, राइजोमेटस पेरिनियल हर्ब है, ठीक है भाई। ऑर्नामेंटल पार्ट है कोरोला लाइक स्पैथ, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रख सकते हैं हम। प्रोपेगेशन राइजोम्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है स्टेटिस, तो ये भी ठीक है, इसका भी एक आध क्वेश्चन पूछने में आ सकता है। स्टेटिस सी लेवेंडर एंड इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है लिमोनियम स्पीसीज। ओरिजिन यूरोप माना जाता है। फैमिली है प्लम्बाजिनेसी। अब स्टेटिस की फैमिली थोड़ी अलग है तो इसको याद रख सकते हैं प्लम्बाजिनेसी। लाइमोनियम इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग क्या है मीडो। लाइमोनियम क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है मीडो। एंड कॉमनली फाउंड इन सॉल्ट मार्शेस, जो सॉल्ट मार्शेस होते हैं यानी कि जहां पर दलदली मृदाएं होती हैं बट वहां पे सॉल्ट अधिक होता है वहां पर फाउंड किया जाता है स्टेटिस को। एंड कूल सीजन क्रॉप है। Use for dry flower, cut flower and garden decoration इसमें use किया जाता है। तो ये वाली line तो चलिए ठीक है, कोई मतलब नहीं है। Cut flower species है Limonium cinnamidium और देखते हैं आगे। Medicinal purpose से Limonium purposum, ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि medicinal का बहुत ज्यादा part पूछा जाता है। Medicinal purpose से क्या use होता है Limonium purposum। अब आपको जैसे medicinal plant है आप लोग बोलते हो क्या पढ़ना है, तो medicinal plant में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि alkaloid, कि कौन सा एल्कलॉइड किसमें पाया जाता है, और एल्कलॉइड के बाद पढ़ना है उनका इकोनॉमिक पार्ट। ये तो आपको पढ़ना ही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं मेडिसिनल में। फिर उनके बाद में यदि आप याद रख सकते हैं तो फैमिली। हाँ सर, अभी हाँ, आपने इसमें बताया कि ये कूल सीजन क्रॉप है, तो सर इसमें जैसे हाँ। आपने बताया था पहले एक बार कि कूल सीजन क्रॉप होगी तो लॉन्ग डे प्लांट होगा, और अगर नहीं होगी तो शॉर्ट डे होगा। और सर ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लॉन्ग डे में शायद आर्स कम होते हैं जबकि शॉर्ट डे में ज्यादा लाइटनिंग लाइट वाले आर्स चाहिए होते हैं, वो थोड़ा क्लियर करा दीजिए एक बार। शॉर्ट डे में एसडीबी होता है उसमें 8 टू 11 आवर माना जाता है, एंड एलडीबी होता है वो आपका 11 टू 14 आवर्स माना जाता है। और ये दोनों जो एसडीबी और एलडीबी बोले गए हैं ये बोले गए हैं फ्लावरिंग के बेसिस पर, एंथेसिस के बेसिस पर। इनका जो बेस है जो आधार माना गया है एंथेसिस, मतलब कि फ्लावरिंग के लिए कितना चाहिए, तो एसडीपी को चाहिए 8 से 11। अब एसडीपी जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, एसडीपी हम इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि खरीफ सीजन क्रॉप के कारण एसडीपी नहीं बोल रहे हैं। यदि हम बात करें रबी सीजन की तो रबी तो सर्दी में आता है और विंटर में तो दिन छोटे होते हैं तो कहां से 11 से 14 मिल जाएगा, बट बात होती है एंथेसिस की, फ्लावरिंग का बातें हैं। फ्लावरिंग तक आते आते जो विंटर सीजन है वो एंड होने लगता है और आपका जो समर सीजन है वो आने लगता है। तो समर सीजन में 11 से 14 घंटे लगभग आपको उसे मिलने लगते हैं और एंथेसिस वहां पर होने लगता है, फ्लावर की ओपनिंग होने लगती है। और एसडीपी में आपका आते आते थोड़ा सा जो सर्दी और वहां पे बरसात वाला सीजन होता है वहां पे 8 से 11 घंटे उसको मिलने लगते तब एंथेसिस होता है, इसलिए एसडीपी और एलडीपी है। बट एसडीपी में 8 से 11 आवर है, एलडीपी में 11 से 14 आवर्स है फोटो पीरियड। एसडीपी में सर खरीफ क्रॉप आती है मतलब, मोस्टली खरीफ क्रॉप बट जरूरी नहीं है कि ऑल खरीफ क्रॉप, मोस्टली रबी वाली सर्दी वाली। हाँ मोस्टली बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, चले आगे। ठीक है सर, ओके। प्रोपेगेशन इसका किया जाता है आपका सीड्स के द्वारा। एंड वैरायटी है मिडनाइट ब्लू, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ना अपने लिए जरूरी है। लिलियम, लिलियम की फैमिली है लिलियेसी एंड ये एक मोनोकोट प्लांट है। मोनोकोट आप सारे लोग जानते हो, मोनोकोट प्लांट कहते किसे हैं, विंटर हार्डी स्पीसीज है, प्रिफर सनी क्लाइमेट, ससेप्टिबल है हाई टेम्परेचर के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, यदि आपका टेम्परेचर हुआ तो थोड़ा सा ससेप्टिबल होगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज हम इसमें करेंगे हाइट कंट्रोल के लिए, एंड सिमिडल एंड ट्रिपल सी तो हम करते ही हैं और साथ साथ में इथरल, तो ट्रिपल सी के बाद एंड सिमिडल एंड इथरल इसमें प्लांट हाइट की कंट्रोल के लिए, हाइट को कंट्रोल करने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करें इम्पोर्टेंट स्पीसीज एंड बिलोंग्स टू लिलियम ग्रुप, इतनी सारी हैं भाई, तो मेरे हिसाब से लिलियम को एक बार आप पढ़ सकते हैं, इसकी स्पीसीज थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं, तो लेकिन क्वेश्चन आ सकता है लिलियम से। कट फ्लावर प्रोडक्शन लिलियम लॉन्जिफ्लोरम, ईस्टर लिली हम इसे कहते हैं एंड ट्रम्पेट लिली भी बोला जाता है, यूज फॉर चर्च डेकोरेशन, रिफ्लेक्स पेटल लिपी लिलियम मार्गेटन, टर्क कैप लिलीज, टाइगर लिली है लिलियम टाइग्रिनम, ओरिजिन है जापान, ट्रिप्लॉइड स्पीसीज है 2n=36, इसमें क्रोमोसोम नंबर है, डबल फ्लावर लिलियम है लिलियम टिग्रिनम वेराइटी फ्लोरेप्लोने, ये एडिबल स्पीसीज है एंड लिलियम मैक्सिमाउसी, ऑयल यील्डिंग स्पीसीज है मैडोना लिली एंड लिलियम कैंडिडम, तो ये एक दो बार आप पढ़ना, डेली पढ़ना पड़ेंगे आपको स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हैं डेली हमें पढ़ना है, नोट्स पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, उस नोट्स में जाके सिर्फ स्पीसीज देखा करो, वैरायटी देखा करो सभी फ्लावर्स की। ब्लूमिंग पीरियड एशियाटिक लिली में अर्ली जून, बहुत सारी लिलीज है भाई यहाँ पे, एशियाटिक लिलीज में अर्ली जून, ओरिएंटल लिलीज में जुलाई टू सेप्टेम्बर, टाइगर लिलीज में सेप्टेम्बर, रेसिस्टेंट सोर्सेस क्या है भाई आपके, लिलियम हेनरी रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम एंड वायरस, लिलियम कैंडिडम है टॉलरेंट टू लो टेम्परेचर एंड लो लाइट, ये आप याद रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, ईयर राउंड फ्लावरिंग एबिलिटी लिलियम करियम रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम बिल्ड। अब इसके क्वेश्चन वगैरह देखूंगा मैं कि कैसे क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से कुछ एक आध बुक मुझे ऐसी मिल जाएगी जिसमें सारे फ्लावर के फ्लावर वाइज क्वेश्चंस हों, तो उनसे अपने को ज्यादा बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मेजर प्रॉब्लम है हमारा लिलियम में गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसमें पाई जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का भी कौन सा टाइप, गैमेटोफाइटिक इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी यहां पर है, लॉन्ग डे इंड्यूस वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट, IAA को प्रमोटर के रूप में यूज किया जाता है, बल्ब ब्लेड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, प्रोपेगेशन बल्ब से या फिर सीड से, बुलबिल्स प्रोड्यूसिंग लिली। हाँ भाई सर, एक गैमेटोफाइटिक को एक्सप्लेन कर दो एक बार, गैमेटोफाइटिक को एक्सप्लेन कर दो। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तो आप सारे लोग जानते हो कि जब एक प्लांट होता है इसमें फीमेल फ्लावर भी है और इसी में मेल फ्लावर भी है, तो इसका जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट में जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन इसी की फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये पोलन ग्रेन यदि उड़कर किसी दूसरे प्लांट पर पहुंच गए तो इसकी फीमेल को ये फर्टिलाइज कर देते हैं, तो ये कहलाती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और एक होती है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है ये इनके गैमेट फॉर्मेशन पर प्रिफर करेगी। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब एक इनसे पहले जो इनके पेरेंट रहे होंगे, जब पेरेंट का क्रॉस कराया होगा मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट का, तो इनसे ऐसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट से जो आने वाली पीढ़ी में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पैदा कर देता है, तो उसे बोला जाता है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, ये है, बाकी और बहुत सारा है इस पर, पूरा का पूरा मैं 2 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पे, टाइप से भी पढ़ाने बैठूंगा, बट गैमेटोफाइटिक यानी कि गैमीट के कारण जो उत्पन्न होती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी SI, उसे गैमेटोफाइटिक कहते हैं। मेजर डिजीज लीफ ब्लाइट बोटाइटिस एलिप्टिक का कारण होता है, सीरियस पेस्ट थ्रिप्स एंड इसका नाम है। एनुअल फ्लावर, अब एनुअल फ्लावर की यहाँ पर आपको लिस्ट मिलने वाली है, तो उस लिस्ट को आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट को मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा उससे मतलब नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। कलर स्कीम एंड ग्रुपिंग ऑफ एनुअल्स देखो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक और प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, क्योंकि फ्लोरिकल्चर की बात है एंड फ्लावर ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपके कलर पर डिपेंड होते हैं, कलर से ही डिफाइन होते हैं फ्लावर, तो रेड येलो एंड ब्लू यानी कि RYB जो है हमारे RYB या फिर RBY ऐसे ध्यान रख सकते हो, रेड ब्लू येलो प्राइमरी कलर्स कहते हैं। सेकेंडरी कलर्स हैं OZB ऑरेंज ग्रीन एंड वायलेट, हार्ड या वार्म या हॉट ब्राइट कलर है रेड ऑरेंज येलो,
सॉफ्ट कूल लाइट कलर है ब्लू वॉयलेट ग्रीन एंड नेचुरल कलर है व्हाइट ब्लैक एंड ग्रे. क्वेश्चन पूछ सॉरी नेचुरल बोल दिया न्यूट्रल कलर. न्यूट्रल कलर है व्हाइट ब्लैक एंड ग्रे. क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा और ये हमें एक मार्क दिलाएगा ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा और उस एक मार्क ही हमारा सिलेक्शन आगे कराने वाला है. आगे चलें आगे बात करेंगे मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक का सिंपल सा मतलब है कि एक ही क्रोमा हमें क्रोमा का मतलब होता है वहां पे कलर एंड क्रोमा से ही लिया गया है कलर. तो मोनोक्रोमिक का मतलब है कि वहां पे एक कलर अपने को नजर आएगा. डाइक्रोमिक का मतलब है दो कलर एंड पॉलीक्रोमेटिक का बहुत सारे कलर. ठीक है तो मोनोक्रोमेटिक क्या है जब यू विद इट्स लाइट एंड डार्क कलर आर ब्राउड इन अरेंजमेंट यानी कि लाइट और डार्क कलर का अरेंजमेंट यहाँ पे होता है बट एक ही कलर वहां पर नजर आएगा. तो सिंपल सा है मोनो वन डाई टू एंड पॉली बहुत सारे. प्रीडोमिनेंट कलर इन नेचर कौन सा है तो अपने पता है भाई ग्रीन कलर सबसे ज्यादा नेचर में है मुख्यतः पाया जाता है. कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कंट्रास्टिंग कलर है ब्लू और ऑरेंज रेड प्लस ग्रीन और वॉयलेट प्लस येलो. इनको मिलाकर हम एक कंट्रास्टिंग कलर को बनाते हैं. आगे चलें बात करें प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर जो बने हैं ना ग्रीन ऑरेंज और वॉयलेट ये प्राइमरी कलर के फ्यूजन से ही बनते हैं. जैसे हमने क्या बताया RBY ये प्राइमरी कलर. अब इनका फ्यूजन करो ब्लू और येलो का फ्यूजन किया ग्रीन बन जाता है. क्या बात है येलो एंड रेड का फ्यूजन किया ऑरेंज बन जाता है. ब्लू एंड रेड का रेड एंड ब्लू का किया तो वॉयलेट बन जाता है. तो सेकेंडरी कलर प्राइमरी कलर के फ्यूजन के कारण ही बनते हैं. एनालोगस. एनालोगस क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन येलो एंड ऑरेंज ऑरेंज इन्हें हम एनालोगस कंडीशन कहेंगे एनालोगस कलर कहेंगे. ट्राइड्स. अब ट्राइड्स किसे कहेंगे जब कॉम्बिनेशन आप कर दोगे येलो ब्लू एंड रेड का मतलब तीनों को मिला दिया रेड ब्लू एंड येलो RBY को तो ये कहलाएगा ट्राइड्स. बिकॉज ट्राई ट्राई का मतलब है तीन एंड एड का मतलब है जोड़ना तो तीन कलर को जोड़ रहे हैं तो ये ट्राइड्स कहलाएगा. बेस्ड ऑन फ्लावर कलर व्हाइट फ्लावर एनुअल कौन कौन से एलाइसम कैलिस्ट्रेटम चाइनेंसिस नाइजेला. अब इनको आपको भाई याद रखना बहुत ही एक टफ टास्क होने वाला है आप लोगों के लिए. येलो एंड ऑरेंज फ्लावर एनुअल है कैलेंडुला ऑफिसिनेल्स एंड जीनिया टेगेटस. ब्लू कलर एनुअल्स हैं एगरेटम कॉर्नफ्लावर एंड लाइनेरिया. तो ये आपको याद रखना पड़ेंगे. देन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन पर आप याद रख सकते हैं विंटर सीजन समर सीजन रेनी सीजन इनको एक एक बार पढ़ लेना बट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. जितने भी एनुअल्स हैं विंटर सीजन का एनुअल एंथीरियम चाइनेस्टर एगरेटम कार्नेशन पैंसी फ्लॉक्स नास्टिटम नाइजेला साल्विया साइनेरिया गजानिया स्वीट एलाइसम इनसे क्वेश्चन आता है. बट आप लोग याद करने की कोशिश करना नहीं हो तो परेशान नहीं होना छोड़ देना. ज्यादा परेशान होने से छोड़ देना बेटर है अभी के समय में. यदि यही आप मुझसे 3-4 महीने पहले मिले होते तो मैं यही बोलता कि इनको रट लेना दिमाग में बिठा लेना. तो समर सीजन है रेनी सीजन है एक एक बार पढ़ लेंगे और नहीं याद होंगे तो छोड़ देंगे. नेक्स्ट चले फ्लावरिंग सीजन पर अर्ली ब्लूमिंग एनुअल्स एंड लेट ब्लूमिंग एनुअल्स तो फिर अपन एक बार रीडिंग करेंगे. सिलोसिया है एंड वॉल्सम गॉम्फ्रेना साल्विया जीनिया एंड कोरियोप्सिस ये सारे के सारे अपने बेस्ड ऑन फ्लावरिंग सीजन है. लेट ब्लूमिंग एनुअल्स कौन कौन से हैं एल्थिया रोजिया एंथीरियम कार्नेशन स्वीट ब्लियम एंड हॉलीहॉक ये सारे के सारे आपके लेट ब्लूमिंग एनुअल्स हैं. नेक्स्ट हम करें हार्डीनेस के हिसाब से फ्रेग्रेंट एनुअल्स तो ये सब फिर आपको ही पढ़ना है और टाइम भी यहाँ पर मेरे पास 2 मिनट ही बचे हैं तो इनको आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा हार्डीनेस के बेस पर. बट मैं यही कह रहा हूँ नहीं हो यार तो परेशान ना होना और याद हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है क्योंकि एक बार जिसने पहले पढ़ रखा होगा ना उसे ये चीजें मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे 2-4 बार फिर पढ़ना पड़ेगा. अब स्पेसिफिक प्रैक्टिस थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे. प्रिकिंग प्रिकिंग टर्म जो है गिव टू द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफरिंग द यंग सीडलिंग्स टू पैन और ट्रे. जब पैन और ट्रे से यंग सीडलिंग्स को ट्रांसफर किया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है प्रिकिंग. ये ध्यान रखना. स्टैकिंग क्या है स्टैकिंग होता है किसी को सहारा देना. स्वीट पी है मॉर्निंग ग्लोरी है नास्टुटियम है इनको सहारा देने की आवश्यकता होती है यानी कि एक पास में एक लकड़ी गड़ा देंगे और इस पर फ्लावर ग्रो करता रहेगा जैसे कि हम टमाटर में करते हैं. पिंचिंग किसमें करते हैं कार्नेशन में मैरीगोल्ड में डायंथस में पिंक में. पिंचिंग यानी कि 3 लीव्स के साथ उस लीव्स को
अपर से हम कट कर देंगे वो पिंचिंग है, बहुत बार बताया हुआ है, बट आप पता रखना कार्नेशन, मैरीगोल्ड, डायंथस, इन सभी में पिंचिंग हम करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस। तो स्क्रीनिंग पर्पस से हॉली हॉक एंड साइनेरिया को यूज करेंगे। पेक्यूलर शेप क्लायंथस का होता है। ड्राई फ्लावर के लिए स्टेटस हेलिक्राइजम, एक्रोक्लाइनम, लेडीज लेस एंड नाइजेला इसका यूज करते हैं। कट फ्लावर के लिए कार्नेशन, स्वीट विलियम, एंथेरिनम, कॉर्न फ्लावर, लूज फ्लावर, मैरीगोल्ड, एनुअल क्राइजेंथीमम, एस्टर, सनफ्लावर, जीनिया एंड गैलार्डिया। ब्रीडिंग पर्पस से यूज करेंगे डहेलिया, मैरीगोल्ड, फ्लॉक्स, पेंसी, कार्नेशन, पिटूनिया, आइस प्लांट एंड कैंडिडा। तो ये पढ़ना तो पढ़ेंगे भाई, अब क्या करें, देखिए इतना ही टफ है हमारा फ्लोरिकल्चर, कर कह सकते हैं। नेक्स्ट टुमारो सर, हाँ सुनील जी, नेक्स्ट टुमारो, लेस देन वन मिनट बचा हुआ है, नेक्स्ट टुमारो। चलिए भाई यहाँ पे वन सेकेंड, साइड लविंग एनुअल सीटेबल, अब देखता हूँ यहाँ पे क्या है। रॉकरी पर्पस, प्रोपेगेशन ऑफ एनुअल, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कल तो अब देखिए मैं अलग ही कुछ लेकर आने वाला हूँ, ये फिर कुछ टेबल्स हैं तो इनको आप याद करेंगे। हाँ टेबल्स हैं भाई 5 से 6, तो इनको आपको याद करना, इनके एक बार देख लेना। जैसे जो मेन मेन है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, कैप मैरीगोल्ड है, पॉट मैरीगोल्ड है, इन सबकी फैमिली वगैरह याद रखने की कोशिश करना, साइंटिफिक नेम थोड़ा सा याद रखना। तो इसी के साथ मैं क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास आगे जो भी होगा, कल हो सकता है न्यू मैटर लेकर आऊं, तो उस पर एक क्लास। सर ग्लैडियोलस छूट गया है सर।